गांव के मुखिया यानी पटेल को पूर्व की तरह फिर लागू करने की मांग को लेकर पहले पटेल रह चुके लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों का कहना था कि पटेल का काम गांव में कानून व्यवस्था का पालन कराना रहता था। पटेल सर जिंदाबाद, पटेल सर जिंदाबाद, पटेल सर जिंदाबाद, पटेल सर जिंदाबाद, पटेल शक्ति जागेगी, समस्या भागेगी। अलीराजपुर में, इसलिए यहाँ डिप्टी कलेक्टर साहब से नीचे लेवल के व्यक्ति को ज्ञापन, ये जिले का ज्ञापन अपने को नहीं देना है। किसको देना है? डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम साहब से नीचे व्यक्ति को अपना ज्ञापन नहीं देना। नायब तहसीलदार यहाँ बैठती नहीं है। हाँ नहीं नहीं वहाँ लेके चले गए, वो तो वहाँ डिप्टी कलेक्टर ही आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय राजस्व पटेलों की प्रदेश स्तरीय महासभा आयोजित करने व उनकी समस्याओं का निराकरण करने बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्व पटेल ग्रामों की व्यवस्था संचालन में हमेशा से अपना महत्वपूर्ण योगदान पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से देते आ रहे हैं एवं बिना किसी पारिश्रमिक व मानदेय के समाज की सेवा में हमेशा से तत्पर रहते हैं। ग्रामों के अंदर उत्पन्न छोटे छोटे वाद विवाद का निपटारा करवाने तथा ग्राम की शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान पटेल लोग देते आ रहे हैं। पटेलों ने कभी अपना निजी हित नहीं देखा। ग्रामों में घटित होने वाले छोटे छोटे अपराधों की सूचना पुलिस प्रशासन को देना तथा कोई अपनी घटना घटित ना हो इसे तो पुलिस प्रशासन को सहयोग देना पटेलों ने अपना हमेशा कर्तव्य समझा है। योगदान देते आ रहे हैं तथा ग्रामों से संबंधित शासन के संपूर्ण विभागों के सेवकों को ग्रामों में उनकी चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाने एवं उनके रात्रि विश्राम एवं खाने पीने की व्यवस्था हमेशा से पटेल लोग करते आ रहे हैं। वास्तव में भारतीय संविधान में बिना किसी लोभ लालच तथा बिना किसी पारिश्रमिक के अगर शासन की व्यवस्थाओं के संचालन में किसी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो केवल और केवल ग्राम के पटेल हैं। श्रीमान जी आजादी के बाद जब देश में आर्थिक संसाधनों की कमी थी एवं शासन प्रशासन के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में शासकीय सेवक नहीं हुआ करते थे तथा सड़क परिवहन टेलीफोन न्यूज़पेपर इत्यादि जनता सीधे संवाद के माध्यम नहीं थे तब भी ग्रामों के अंदर पटेल एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हुआ करता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमने कहा है कि अगर समय रहते अगर ग्राम पटेलों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो ग्राम पटेल आने वाले समय में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर मतदाता सूचियों से अपने अपने नाम कटवाएंगे। ये प्रथा क्या बंद कर दिया है क्या है? ये प्रथा कानूनन वैसी की वैसी है जिस जैसी कि उसको विधान के अंदर लिखा गया था। पटेल का पद एक वैधानिक पद है जो कि आज भी भूराजा संहिता के अंदर में उसमें लिखा हुआ है। तो क्या पावर कम कर लिए गए? उसको धीरे धीरे शासन शिथिल करना चाहती है जिससे उसके कार्य को समाप्त किया जा सके। उसको सीधा समाप्त ना करते हुए धीरे धीरे असहयोग की नीति पटेलों के साथ शासन प्रशासन की अपना रहे हैं जिससे कि पटेल के पद को समाप्त किया जा सके। बात करेंगे पटेलों का क्या कार्य रहता था? ग्राम के अंदर पटेल ग्राम का एक सच्चा सेवक हुआ करता था। वो ग्राम के अंदर शासकीय सेवकों को जानकारी उस समय जिस समय टेलीफोन न्यूज़पेपर इत्यादि जनता सीधे संवाद के माध्यम नहीं थे तो पटेल ही उनके लिए न्यूज़पेपर टेलीफोन और गांव के अंदर सच क्या है, जमीन किसकी किसके पास है, कौन गलत है कौन सही है, पुलिस प्रशासन से लेकर के शासन तक वो सही जानकारी शासन को देता था। उनके खाने पीने की सोने बैठने की व्यवस्था जो प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचते थे पटेल करता था। हर स्तर से गांव के लोगों की मदद करता था। गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो इस हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पटेल भरसक क्रिया करता था। बहुत धन्यवाद।